तो हाल ही में मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। मैंने सोचा है कि ये ग्राफिक टैब लिया जाए, तो मैंने घर वालों को बोला तो घर वालों ने साफ मना कर दिया। तो मेरे बहुत ज्यादा कोशिश, मेहनत, परिश्रम से फाइनली आ गया एक ग्राफिक टैब। और हाँ, पैसे भी लगे, वो भी मिला दो। तो ये बॉक्स तुम्हें ओपन ओपन सा दिख रहा होगा, वो जो जोश में हमने डब्बा पहले ही फाड़ दिया था। देखना पड़ता है भाई, अमेजोन वालों ने कहीं खाली डब्बा तो नहीं भेज दिया। तो शायद इसके अंदर की चीजें तुम्हें थोड़ी फटी चुटी हालत में दिखे, मतलब प्लास्टिक वगैरह फटी हालत में दिखे, लेकिन उससे इशू नहीं है। तो फटाफट अनबॉक्स करते हैं इसको। तो बॉक्स ओपन करने के बाद हमें मिलता है एक यूजर मैनुअल, जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। और एक रखा है यहाँ पे टेम्पर ग्लास, जो मैंने पहले ही ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, तो वो मैं दिखाऊंगा तुम्हें। तो और डब्बे खोलने के बाद हमें मिलता है ग्राफिक टैब, जिसे हम अभी साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे रखा है एक स्टाइलर, जिससे हम ड्रॉइंग कर सकते हैं, एनिमेशन बना सकते हैं, कुछ चीजें लिख सकते हैं और भी बहुत चीजें कर सकते हैं, जैसे पेन घुमा सकते हैं। तो जैसे पेन घुमा सकते हैं, आप घूम रहे हैं ना, ये देखो घुमा सकते हो, तो इसे भी साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे हमें मिल जाता है एक निब एजेक्टर, जिससे हम निब निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। और हमें मिलता है ये 8 एक्स्ट्रा निब्स, और एक पेन में अलग से लगी हुई है, तो टोटल 9 निब्स। तो और हमें यहाँ पे मिलता है 2 OTG, एक USB टाइप बी और एक USB टाइप सी। तो हमें यहाँ पे एक पेन स्टैंड भी मिलता है, जिसमें हम निब्स और निब एजेक्टर रख के यहाँ पे इसे खड़ा कर सकते हैं पेन को, और इसे सुला सकते हैं यहीं पे। तो अब इन सबको साइड में रख के ग्राफिक टैब को खोलते हैं, तो देखते हैं कैसा ग्राफिक टैब है। तो जल्दी से अब ग्राफिक टैब की प्लास्टिक हटाते हैं। तो ये तुम्हें थोड़ा पुराना पुराना सा दिख रहा होगा, लेकिन ये पुराना नहीं है, ये मैंने इसे टेम्पर ग्लास लगा रखा है। इसमें 10x6.2 इंचेस की वर्क एरिया दिया गया है, और 12 शॉर्टकट कीज दिए गए हैं, जो बहुत ही अमेजिंग है इस प्राइस रेंज में। तो अब बकवास बहुत हो गई, मैं तुम्हें ड्राइवर्स इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ कि मैंने कितने में लिया ये ग्राफिक टैब। तो ड्राइवर्स इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तुम्हें प्लग इन करना है अपने पीसी या लैपटॉप में, और फिर वहां पे अपना फाइल एक्सप्लोरर खोलना है, वहां पे कुछ ऐसा दिख जाएगा, इस पे क्लिक करो, और फिर यहां पे तुम्हें एप्लीकेशन दिख जाएगा, तो इसे इंस्टॉल कर लो। ये थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा अटकेगा, तो ऐसा मत समझ लेना कि तुम्हारा पीसी खराब वराब हो गया इससे, कुछ ऐसा वैसा ऐसा कुछ नहीं है। तो इसे इंस्टॉल करते ही तुम्हें ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पे तुम टैबलेट की साइज, मतलब कितने वर्क एरिया में वर्क करेगा, स्क्रीन साइज वगैरह सेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे तुम टैबलेट की 12 शॉर्टकट की सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, और फिर यहाँ पे तुम टैबलेट का पेन प्रेशर देख सकते हो और उसे घटा बढ़ा सकते हो। मैं इतना ही रखता हूँ, तुम अपने हिसाब से देख लेना। तो अब मैं कुछ तुम्हें बना के दिखाता हूँ कि टैब से बनता कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिप स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और एक न्यू फाइल ले लेता हूँ। मैं क्लिप स्टूडियो ही क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने कहा था कि ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी ऐप है, ड्राइंग्स वगैरह के लिए। वैसे ये एनिमेशन के लिए भी अच्छी ऐप है, लेकिन इसे सीखना पड़ेगा भाई, और किसके पास उतना टाइम है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम इसे बीच से डिवाइड कर देते हैं और रफ बनाएंगे। तो देखो ये ग्राफिक टैब का पहले आता है कि रेट मेरे को कितने में मिला, ठीक है। तो ये देखो ग्राफिक टैब मुझे 3100 का पड़ गया, यानी 3099 का पड़ गया। वो ₹1 तुम अपने हिसाब से ऐड कर लेना। तो जो ये 3000 का रेंज है, 3000 से 3500 का रेंज, इस रेंज में कोई अच्छे ग्राफिक टैब बड़े वाले आते ही नहीं है, और यही एक लौता मेरे ख्याल से ग्राफिक टैब है जो इतना बड़ा आता है 10x6.2 इंचेस का। वरना इसका सेम 10x6.5 इंचेस, जो इसमें 19-20 का अंतर है, वो XP Pen Deco 01 का आता है, और वो ऑलमोस्ट इससे डबल प्राइस है। तो तुम गेस कर सकते हो मैंने क्यों लिया, क्योंकि इसकी वर्क एरिया बहुत ज्यादा है, जिससे काम करने में आसानी होती है, तो इसलिए मैंने इसे लिया है। और फिर उसके बाद मैं लाइन आर्ट ड्रॉ करूंगा, और देखो मैं फाइनल कलर करके नहीं बताऊंगा, वरना वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी बन जाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग फालतू का यहाँ पे रुको, तो जल्दी जल्दी वीडियो देखो। लेकिन मैं इस जो बना रहा हूँ, इसे मैं भी थंबनेल में लगा दूं, तो ज्यादा तुम्हें बेटर आइडिया हो जाएगा कि कैसा बन सकता है। और प्लीज थंबनेल देख के जज मत करना कि इसमें मतलब ऐसा ही बन सकता है, ऐसा बात नहीं है, वो स्किल्स की थोड़ी कमी है, वरना इससे बहुत बहुत अच्छा बन सकता है। मतलब एक जो नॉर्मल ग्राफिक टैब होता है, तो उतना लेवल का बन सकता है, मतलब तुम्हारे स्किल पे डिपेंड करता है कि तुम कैसा इसे बना सकते हो, तो उस पे डिपेंड करता है ये कैसा बनेगा। तो इलस्ट्रेशन बनाने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि मेरी पुरानी वाली इंस्टा ID हैक हो चुकी है, तो अगर तुमने वहां पे उसे फॉलो कर रखा है तो प्लीज अनफॉलो मार दो और रिपोर्ट भी मार दो, और हमारी न्यू वाली ID को फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखो ये चीजें मैंने पहले ही बना ली थी, और इसलिए मैं इसे बाद में वॉइस ओवर दे रहा हूँ थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके, वरना अगर मैं स्लो पे देने गया तो तुम्हारा 1 घंटा निकल जाएगा, तो इसलिए। और इसलिए तुम्हें ये डिफरेंस दिख रहा होगा, जो मैं बना रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ इसमें, तो वो अलग दिख रहा होगा। मतलब इसमें अच्छी चीजें बन जाती है, ग्राफिक टैब भी बहुत बढ़िया है और अच्छा भी है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जिन्हें बढ़िया पैकेजिंग पसंद आती है, बढ़िया बढ़िया चीजें पसंद आती है, और किसी का बजट 3000 भी नहीं होता,
तो मैंने 2000 के नीचे से, मतलब 2000 के नीचे से टैबलेट दे रखे हैं 10,000 तक। तो तुम एक बार डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लेना, अगर जितना बजट है तुम्हारा उतने हिसाब से बेस्ट टैबलेट मैंने दे रखे हैं। और वहाँ पे मैंने ऐसा भी टैबलेट दिया है जो आरजी ने पहली बार यूज़ किया था, मतलब आरजी का फर्स्ट ग्राफिक टैब भी मैंने दे रखा है। तो वहाँ पे जाके एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तो अगर तुम ग्राफिक टैबलेट लेने की सोच रहे हो तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन के अलावा कहीं और चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें दे रखी है। तो अब बारी आती है तुम्हारे सरप्राइज की। तो सबसे पहले देखो, मैं तुम्हें एनिमेशन सिखाने वाला हूँ। जी हाँ, मैं तुम्हें एनिमेशन सिखाने वाला हूँ। मैंने एक और नया चैनल ओपन किया है, तो वहाँ पे मैं तुम्हें एनिमेशन के शॉर्ट ट्यूटोरियल्स और लॉन्ग ट्यूटोरियल देने वाला हूँ बहुत जल्द। वहाँ पे भी बहुत जल्द वीडियो आने वाली है, बहुत अच्छी अच्छी। तो तुम लोग वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर लो, और तुम लोग इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और मेरी न्यू वाली इंस्टा आईडी को फॉलो कर दो। मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।